मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 109 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, मैथ्स की है, क्लास लिखिए, डेट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। यहाँ लिखा है अमित की यात्रा। क्या लिखा है? अमित अपने परिवार के साथ बाल दिवस यानी 14 नवम्बर पर अपनी मौसी से मिलने जा रहा है, जो कलकत्ता से थोड़ी दूर एक कस्बे में रहती हैं। ठीक है, क्या आप उनकी यात्रा के बारे में पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लिखा है अमित और उसका परिवार कार द्वारा सबसे पहले नई दिल्ली से कानपुर पहुँचे। ठीक है, अमित ने वहाँ पर लगे सड़क चिन्ह यानी कि जो रोड साइन बोर्ड होते हैं में देखा कि कलकत्ता 1124 किलोमीटर दूर है। अगर नई दिल्ली से कानपुर की दूरी 474 किलोमीटर थी है तो नई दिल्ली से कोलकाता की दूरी कितनी होगी? देखिए अब उसने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा। जब अमित उसका परिवार नई दिल्ली से कानपुर पहुंचा यानी कानपुर पहुंच गए, ठीक है, तो कानपुर में उसने एक चिन्ह पे देखा कि कानपुर से कलकत्ता की दूरी 1124 है। तो आप क्या लिखेंगे? कानपुर से कोलकाता कितनी दूर है? 1124। ठीक है, और अगर दिल्ली से कानपुर, तो आप लिखिए दिल्ली से कानपुर, यानी वो इतना पहले ही चल चुके हैं, तो कितने? 474। तो अब ये बताइए कि नई दिल्ली से यानी कि दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से सीधा अगर मैं कोलकाता जाऊं तो मुझे कितना डिस्टेंस तय करना होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे और प्लस करके यहाँ लिखेंगे। तो 4 और 4 कितना होता है? 8। 7 और 2 9। 4 और 1 5 और 1 का 1, यानी कि नई दिल्ली से कलकत्ता की जो दूरी है वो 1598 यानी 98 किलोमीटर की है। आई बात समझ में? तो हमने इसमें क्या करा? प्लस करा। पहले कानपुर से कलकत्ता की दूरी देखी, फिर दिल्ली से कानपुर की दूरी देखी और फिर उन दोनों को जोड़ दिया, तो हमारी दिल्ली से कोलकाता की दूरी निकल गई। ओके, चलिए अगला चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है पटना आकर उन्होंने देखा कि उन्होंने 1046 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, तो अब उन्हें कलकत्ता तक और कितनी दूरी तय करनी होगी? ठीक है, तो अब देखिए आपको जैसा कि पता है कि टोटल कितनी दूरी थी, काका में ऊ की मात्रा ला कुल, कुल दूरी कितनी थी? अभी हमने जाना था 1598, इतनी कुल दूरी थी। ठीक है, अब आप दूसरा क्या लिखेंगे? तय की गई दूरी, वो दूरी जो तय कर ली गई है, तो वो कितनी है? वो है आपकी 1046। तो अब आपको क्या करना है कि कितनी दूरी बची, तो आपको माइनस का निशान लगाना है। 8 में से 6 गए बचे 2, 9 में से 4 गए बचे 5, 5 में से 0 गया बचा 5 और 1 में से 1 गया बचा 0। यानी अभी उन्हें कितनी दूरी और तय करनी है, लेकिन कितनी दूरी और तय करनी है, तो आप लिखेंगे 552 किलोमीटर की दूरी अभी उन्हें तय करनी बाकी है। आया समझ में? आगे चलें। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है कलकत्ता शहर से उन्हें मौसी के कस्बे में जाना है, जो कि 834 किलोमीटर की दूरी पर है। अमित के घर से उसकी मौसी के घर तक की दूरी कितनी है? तो देखिए अब आप फिर से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कामेऊ की मात्रा ला कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी थी हमने अभी जाना कि कुल दूरी है हमारी 1598। ठीक है, अब उसके बाद क्या है
यहाँ पे अंदर जो जाने की दूरी है, मौसी की जो दूरी है ना, ये तो टोटल दूरी है दिल्ली से। अब मौसी के घर की दूरी इसमें और ऐड होगी ना, क्योंकि दिल्ली से कलकत्ता तक की हमने दूरी नापी थी अभी, तो दिल्ली से कलकत्ता की दूरी है, ठीक है। लेकिन अब मौसी के कस्बे में भी तो जाना है, तो आप यहाँ लिखिए कस्बे का आधा साकस बाबा मेरी मात्रा कस्बे की दूरी। तो कस्बे की दूरी कितनी है, 834, ठीक है। तो अब यहाँ आप लिखेंगे कुल दूरी, तो अब टोटल दूरी कितनी निकलेगी हमारी, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना होगा। तो 84 कितना होता है, 84 12, हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 3 13, हासिल लगा 1, 8 5 कितने होते हैं, 8 5 13 और 1 14, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मिला के जो अमित का घर है वहाँ से लेके उसके मौसी के घर की जो दूरी है टोटल, वो कितनी है, 2432 किलोमीटर, ठीक है, लिख लीजिए। आगे चलें, अब देखिए यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, उन्होंने मौसी के घर बहुत मज़े किए, मौसी के पास एक खरगोश था जिसके साथ अमित और अंकिता बहुत खेले, खरगोश प्रत्येक छलांग 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करता था, ठीक है। यानी कि वो एक छलांग में कितना करता था, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरी करता था वो, ठीक है। अब बताइए कि वो 5 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 0 का 0, 5 2 10, कैरी लगी 1, 5 1 5 और 1 6, यानी कि वो 6 मीटर की दूरी तय करेगा। कितने मीटर की करेगा, 6 मीटर की, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, 4 दिन वहाँ रहने के बाद उन्होंने रेलगाड़ी द्वारा घर आने का निश्चय किया, रेलगाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 7 घंटे में वे कितनी दूरी तय करेगी, तो देखिए 1 घंटे में कितनी है, 80 किलोमीटर, ठीक है। तो 7 घंटे में कितनी होगी, तो 80 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आया, 0 का 0 और 7 8 56, यानी कि अगर वो 7 घंटे चलेगी कंटिन्यूस, तो वो 560 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी मुश्किल थी है ना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए तो फिलहाल आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।